फ्रेंड्स ये एकदम बेसिक सा मॉडल है, इसमें हमने दिखाया हुआ है नागालैंड के कुछ अट्रैक्शंस, नागालैंड का कल्चर क्या है, नागालैंड के घर कैसे होते हैं। फ्रेंड्स जो मॉडर्न नागालैंड है ना, उसमें तो अभी लोग पूरी तरह से सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें बहुत जगह पे आपको बिल्कुल शहरों वाली लुक आएगी। लेकिन जो ट्रेडिशनल नागालैंड है, जो विलेजर्स हैं, वो किस तरह का उनका रहन सहन है, किस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई भी इस तरह की डॉल लेके ना, कोई भी डॉल ले लीजिए। देखो फ्रेंड्स ये थोड़ी बड़ी डॉल्स है ना, इस तरह से अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इससे छोटे साइज़ की डॉल्स भी अवेलेबल है मार्केट में। आप थोड़ी छोटी साइज़ की डॉल ले लीजिए, उसको डेकोरेट करना आपको ईजी होगा, क्योंकि मॉडल के हिसाब से इतनी बड़ी डॉल रखना ठीक नहीं है। तो ये डॉल ईजिली अवेलेबल हो जाती है, बारबी सेट में अवेलेबल है ये। अच्छा फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन आता है कि जो हमने ज्वेलरीज लगा रखी हैं ये कहाँ से हमने अवेलेबल की। देखो ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी है और ये मॉडर्न ज्वेलरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह की ज्वेलरी है। ये जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे ना, जो ज्वेलरी रखते हैं, तो आपको ये इस तरह का बहुत सारा पुराना वेस्ट मटेरियल दे देते हैं। इसमें आपको बहुत सारे घिसे हुए जो भी पुराने जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो भी गहने होते हैं, ये बालियाँ और जितना भी आपको चूड़ी वालों के पास में मिल जाएगा, इसमें से आपको जो घिसे हुए होते हैं, पुराने स्टाइल के होते हैं, आप उनको ट्रेडिशनल में दिखा सकते हो। और जो आपके पास अवेलेबल है, देखो आपके पास ना इस तरह से घर में छोटे मोटा ये कचरा भी घर में बहुत पड़ा होता है, वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है। कभी भी हम मंदिर, जहाँ पे मंदिर का सामान मिलता है, जहाँ पे हम लोग अपने मंदिरों को साफ़ करते हैं, तो उसमें से पुराना ये माल बहुत निकल जाता है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। आप ये मॉडल्स में लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमने ज्वेलरी जो थी पुरानी ज्वेलरी यूज़ करके यहाँ पर हमने दिखा दिया। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ड्रेस कैसी होती है, इसमें ये लोग मोतियों से बने हुए, हड्डियों से बनी हुई चीज़ें पहनते हैं। इनके सिर पे एक पंख जरूर होता है वाइट कलर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वाइट कलर का पंख होता है आपको ज़रूर लगाना है, हर जगह घरों पे भी दिखेगा आपको ये, और आपको हर जगह दिखेगा, शादी के मंडप में भी दिखेगा ये, ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको ये वाला पंख जरूर दिखेगा। फ्रेंड्स मैं अभी आपको खाली वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बहुत इजी है। यहाँ पे इनके हथियार हैं, इसमें भाला, बर्छी, जो भी ये ढाल होती हैं, तीर कमान, इस तरह की चीज़ें ये लोग यूज़ करते थे, बो एंड एरो, ये जितना भी है ना एंशियंट टूल्स, स्पीयर, जो डैगर्स होते हैं, शील्ड होती हैं, स्वॉर्ड है ना, बो एरो है, डार्ट है, स्पेयर हैं, भाले जो होते हैं। अच्छा, इसमें इनके कुछ फ्रूट्स हैं जो बड़े फेमस है, इसमें मैंगो भी होता है, इसमें कुछ प्लम टाइप की चीज़ें होती हैं, कुछ इस तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत होते हैं यहाँ पे, और चेरी इनके यहाँ पे बहुत होती है। इनके यहाँ पे काफ़ी तरह के काफल और इस तरह के बहुत, मतलब जो पहाड़ों पे फल पाए जाते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारे तो मैं यहाँ नहीं रख पाया हूँ फ्रेंड्स, आपके पास अगर अवेलेबल हो मार्केट में तो आप इसे लेकर रख सकते हो। मुझे जो जो फ्रूट्स मिले मैंने कॉमन वो मैंने रख लिए, बाकी मार्केट में ना बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स मिल रहे हैं, आप उसे ना बना के आप क्ले से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होता है फ्रेंड्स। ये मॉडल बनाने में मुझे, मैं प्रोफेशनल मॉडल में करूँ तो मुझे, आप समझ लीजिए कि बनाने में 3 से 4 दिन लग गए इस मॉडल को। ये यूट्यूब पे गलत दिखाते हैं बहुत से यूट्यूबर्स कि 1 दिन में खड़ा कर दिया, 2 दिन में खड़ा कर दिया। फ्रेंड्स, एक्चुअली आप खुद बनाते हैं मॉडल तो आपका इसका खर्चा 1000-1500 के अंदर अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर आप ये मॉडल मेकर से बनवाते हैं तो 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, वो अकॉर्डिंग टू लेबर, वो कितना दिन उनको लगता है पर डे की लेबर काउंट करके मॉडल मेकर इसको बनाते हैं। हम लोग भी मॉडल्स बनाते हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग इसकी पर डे की लेबर कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास, आपको सिंपल मॉडल बनाने हैं तो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल मत बनाइए। मुझे लगता है शायद ये हो सकता है कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे फ्लावर्स, ये देखो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, देखो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, पूरा ये बैग हमारा फ्लावर्स का भरा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो पूरा बैग फ्लावर्स का भरा हुआ है ना, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं हमारे पास में, ये इस तरह के फ्लावर्स होलसेल में हमारे पास होते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो लेकिन आप इस तरह से ये फ्लावर्स आपको अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फ्लावर बहुत कॉस्टली होते हैं, इसी वजह से हम मॉडल मेकर्स इसकी प्राइस भी ज़्यादा होता है। अगर आप खुद बनाते हैं तो आप कहीं से भी नॉर्मल जो फ्लावर्स मिलते हैं ना उनको फेविकॉल में डिप करके भी लगा सकते हैं, जो आपको फूल वाले के पास में जो कचरा बच जाता है, जो रियल के फ्लावर्स होते हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा उससे मॉडल बना सकते हैं। देखिए ये राखी के कुछ टुकड़े होते हैं ना, ये नागालैंड के जो वो ट्रेडिशनल लुक, मतलब जो विलेज का मॉडल बनाएंगे कभी भी आप बनाएंगे तो राखी के जो टुकड़े बच जाते हैं ना रक्षाबंधन पे, आप उनके ये मोती भी यूज़ कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो स्टेयर्स बनाई है ना, मैंने ड्रिल मशीन यूज़ किया है इसमें होल करने के लिए, देखो ये ड्रिल मशीन होती है, इसके आगे बहुत पतली टिप लगी होती है, इसको ना हम लोग इसके बैम्बू के अंदर में इससे यूज़ करते हैं, ये देखो इससे होल्स करके टूथपिक इसके अंदर घुसा देते हैं, ये बैम्बू के अंदर होल्स करते हैं यहाँ पे और इसमें हम टूथपिक को घुसा देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल हमारे मॉडल बनाने में और आपके मॉडल बनाने में थोड़ा डिफरेंस ये रहेगा कि आप, हो सकता है इतने टूल्स आपके पास ना हो, लेकिन फ्रेंड्स जितना भी है, ये देखो जो बल्क कार्ड मैंने, जो बुल कार्ड बनाया है ये भी मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है, मेरे पास बहुत सारे कार्डबोर्ड के टुकड़े पड़े रहते हैं उससे मैंने ये बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ मैंने आपको इसमें काफ़ी सफिशिएंट जानकारी दे दी है, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं। फ्रेंड्स, हमारे जो बेस होते हैं ना, हमारे बहुत सॉलिड बेस होते हैं, आप थर्माकोल पे इसे प्लीज़ मत बनाइएगा, थर्माकोल पे बनाएंगे ना तो पूरा मॉडल आपका टूट जाएगा, क्योंकि थर्माकोल, लेकिन हाँ अगर आप थर्माकोल पे बनाना चाहते हैं तो पहले तो थर्माकोल नॉन इको फ्रेंडली है तो स्कूल वाले रिजेक्ट भी कर देंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप फिर भी थर्माकोल पे यूज़ करना चाहते हैं ना तो आप मोटा थर्माकोल लीजिए, बहुत मोटा, तभी ये अच्छा बनेगा, अदरवाइज़ इतना सॉलिड मॉडल आप नहीं बना पाएंगे।
फ्रेंड्स बहुत लंबा ना करते हुए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।